हाय एवरीवन, मैं हूँ सोनल और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लैक्मी फेस मैजिक स्किन टिंट सोफले का रिव्यू वीडियो। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं वो पैक में मेंशन किए गए हैं, जो कि अच्छी बात है, जिससे आपको इजीली पता चल सकता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। हालांकि इंग्रेडिएंट लिस्ट तो इसमें मेंशन नहीं की गई है, बट अदर जो डिटेल हैं जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, ये सभी डिटेल्स इस पर मेंशन की गई हैं। यूज़ कैसे करना है वो भी इस पर मेंशन किया गया है। इसका प्राइस 160 रुपीज़ है, जिसमें आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। तो सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है। और अगर इसके शेड रेंज की बात करें तो इसमें 2 शेड अवेलेबल है। मेरा शेड है नेचुरल मार्बल, जो कि फेयर टू वीटी स्किन टोन वालों के लिए है। बट अगर आपकी वीटी टू डार्क स्किन टोन है या फिर थोड़ी सी डीपर शाइड स्किन टोन है, तो आप इसका दूसरा शेड अपने लिए बाय कर सकते हैं। अब इसके इनर पैकेजिंग की बात करते हैं। और इसका इनर पैकेजिंग, जब भी आप लैक्मी का कोई भी प्रोडक्ट बाय करें तो उसमें ये सिंबल ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि वो प्रोडक्ट जो लैक्मी से आप बाय कर रहे हैं वो ओरिजिनल है। तो कभी भी लैक्मी का कोई भी प्रोडक्ट बाय करें, चाहे वो लिपस्टिक हो, कॉम्पैक्ट हो, क्रीम हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये सिंबल ज़रूर देखें। इसकी इनर पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि इसकी इनर पैकेजिंग काफ़ी क्यूट एंड अट्रैक्टिव है। ग्लास बॉटल है, जो कि फ्रोजन बॉटल है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है और टब पैक है, बट ये ट्रेवलिंग के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये ग्लास बॉटल है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं और ये काफ़ी बल्की भी है, तो आप इसे ईजिली अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। इसका मैं इनर प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ और एक लेड इस पर और भी है इसको ऊपर कर। जब भी आप इसे यूज़ करने के लिए निकालें तो पहले इस बॉटल को शेक करें अच्छे से, उसके बाद ही इसे यूज़ करें। अदरवाइज़ जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो नीचे रह जाएगा। मैं इसका आप इसका इनर देख सकते हैं कि इसका जो टेक्चर है वो काफ़ी रनी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा थिक हो जाता है। ये इसका शेड है। और एक बात और कि ये आपकी स्किन में ऑक्सीडाइज भी होता है, तो अगर आप एक शेड लाइटर लेते हैं तो आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी स्किन टोन से थोड़ी देर के बाद मैच कर जाएगा। अब मैंने इसकी सभी पॉजिटिव बातें आपको बता दी कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं। और एक बात और, आप चाहें तो इसे डेली पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है और आपको शीयर टू मीडियम कवरेज देता है। मीडियम नहीं कहेंगे, शीयर कवरेज ही कहेंगे कि देता है, तो आप इसे डेली यूज़ के लिए परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के माइनस पॉइंट की। तो इसके माइनस पॉइंट भी कई सारे हैं। सबसे पहला माइनस पॉइंट है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी नोज सेंसिटिव है, तो मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ तो मुझे हेडेक ज़रूर हो जाता है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी नोज सेंसिटिव है या जिन्हें स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले प्रोडक्ट नहीं पसंद होंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी सेकंड थिंग ये है कि इसकी कवरेज ना के बराबर है, और आप चाहें तो इसे डेली यूज के लिए परफेक्ट है, यूज़ कर सकते हैं, बट इसका मेन जो माइनस पॉइंट है वो यही है कि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अपने अपने टेस्ट की बात होती है, अपने अपने चॉइस की बात होती है। हालांकि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, बट इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसकी स्मेल, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जिसकी वजह से मैं इसे नहीं यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो फेड नहीं होती है। जब तक ये आपकी स्किन पे रहेगा तब तक इसकी स्मेल उतनी ही रहेगी, तो मुझे ये थोड़ी सी अनोइंग लगती है, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, आप चाहें तो इसे ट्राई दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।